नमस्कार, मैं हूं नीरदर्शन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज लगातार BHO के न्यू नोटिफिकेशन पे आ रही है। आप सभी को कल बताया गया कि BHO एक सुनहरा मौका आपको दे रहा है BHO PG में एडमिशन का, और उसका नाम है मॉप अप राउंड। इसके पहले क्या चला था? स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड बेसिकली BHO PG रेगुलर राउंड्स में जो बचे सीटें होती हैं उन्हें भरने के लिए चलाया जाता है। लेकिन अभी जब वो सीटें नहीं फुल हो पाई तो BHO ने एक अच्छा डिसीजन लिया, कहीं ना कहीं बच्चों के हित में डिसीजन लिया, छात्र हित में डिसीजन लिया, और उन्होंने छात्रों को एक और मौका देने का फैसला किया, और वो है मॉप अप राउंड के थ्रू। तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मेरे दिन भर सोशल मीडिया पे देखने को मिला, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे पास सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी को लेके आ रहा है क्वेश्चन कि सर कौन कौन इसमें एलिजिबल है। वैसे जब मैं कल देर रात वीडियो स्मार्ट बोर्ड पे दिया था तो सब कुछ डिस्कस किया हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो में ध्यान से समझने की कोशिश करो कि DD कैसे बनेगा, किसको आना है, कैसे पता चलेगा कि मेरा होगा कि नहीं, ये तमाम चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक फिर से आस जग गई है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इस उम्मीद के साथ खड़ा करो कि हाँ एडमिशन की चांसेस है। अगर थोड़ा सा भी ये, क्योंकि देखो होता क्या है ना, थोड़ा सा मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। कभी कभी मुझे बच्चे मिल जाते हैं कैंपस में जिनके मार्क्स लिटरली बहुत कम है, वो नहीं पढ़ सकते थे DMC में, लेकिन वो DMC में आज पढ़ रहे हैं। और कभी कभी मुझे बच्चे मिल जाते हैं जिनके मार्क्स इतने अच्छे हैं लेकिन वो एफिलेटेड में पढ़ रहे होते हैं। और ये चीजें पता है कहाँ से डिफ्रेंशिएट होती है? ये एक्चुअली होता है, एक एक्सीडेंट है मॉप अप राउंड, ये इसी की वजह से होता है, क्योंकि ये लक पे काम करता है। लेकिन जैसे मुझे एक सोशल मीडिया पर कॉमेंट मिला, चाहे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आया था, कि सर क्या ये फर्स्ट कम फर्स्ट एडमिशन प्रोसेस है? ऐसा नहीं है कि आप पहले आते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये भी मेरिट को फॉलो करेगा। जो पर्टिकुलर बच्चे इस पर्टिकुलर एक कोर्स में आएंगे, सपोज कि 50 बच्चे किसी कोर्स में आ गए, ठीक है, अब 50 बच्चे जब किसी कोर्स में आएंगे ना तो 50 लोगों की मेरिट बनेगी। ऐसा नहीं कि जो भी 11 से 4 के बीच में बुलाए गए 3 से 4 तारीख को, तो जो सबसे पहले आएगा यानी 3 तारीख को सुबह 11 बजे जो पहुंचेगा उसको एडमिशन दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे आप 4 तारीख के शाम को पहुंचो, चाहे आप 3 तारीख को सुबह पहुंच जाओ, इस पूरे टाइम के बीच में जितने भी फॉर्म कलेक्ट हुए हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उसकी पूरी एक मेरिट बनेगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो बची हुई सीटें होती हैं उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। ये होता है इस सीट को भरने का प्रोसीजर, ठीक है। ये कोई बेरोजगार वाला मेला नहीं है, यहाँ पे नियम कायदे कानून है। एलिजिबिलिटी को लेकर मैं बात कर रहा था, जिन लोगों ने भी CUT का एग्जाम दिया है और CUT का एग्जाम देने के बाद BHO में रजिस्ट्रेशन किया है, वॉट एवर वो स्टार्टिंग में किया या स्पॉट राउंड में किया, तो ये दोनों लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है फॉर्म, जो कि टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मैं एक फॉर्म डाल दूंगा, ये फॉर्म उस दिन भर के ले जाना है, और उसी फॉर्म के साथ आपको अपना BHO PG रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा लेना है कि एलिजिबिलिटी क्या है, CUT का एग्जाम और BHO में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे सुबह मुझे कॉल कर दिए, उन्होंने लिटरली अभी फॉर्म ही नहीं डाला, कभी BHO का फॉर्म ही नहीं डाला है, तो अब वो एलिजिबल इसमें कैसे होंगे? ये उनके लिए है जिन्होंने BHO में कभी भी रजिस्ट्रेशन किया था 2024 के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे कुछ मैसेज कर रहे हैं मुझे कि सर मेरा GDPI एग्जाम हुआ ही नहीं था, या मेरा प्रैक्टिकल कभी नहीं हुआ था, लेकिन मैं CUT का एग्जाम दे के BHO PG में रजिस्ट्रेशन किया था। कहने का मतलब ये है कि उनको GDPI कॉलिंग नहीं गई थी, तो वो भी एलिजिबल इसमें नहीं है, क्योंकि GDPI का एग्जाम एक बार हो चुका है, अब उनके पास ऑलरेडी एक्सेस स्टूडेंट्स हैं सीट के अकॉर्डिंग, उनके पास सीट अब बच्चे भी ज्यादा है, वो बच्चे ही एलिजिबल हैं जो GDPI दिए थे, तो वो आके इसमें अब फाइनली अपना एक मौका देख सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी को लेके हो गया। DD पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन DD का है। तो DD जो है वो बेसिकली एक प्रॉपर नेम है, प्लीज मैं चाहूंगा कि वो नाम अभी, जैसे मैं नहीं देख पा रहा हूं तो वो नाम अभी मैं भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना, मेरे नाम से कोई DD बना रहा है तो मेरा नाम नीरदर्शन, तो प्रॉपर मेरे नाम से ही वो DD बनेगा, तभी वो जाके उस बैंक में उसको हम लोग मनी में एक्सचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वो गलत हो जाता है। तो ऐसे में आप लोग को जो फॉर्म है मैं बताऊंगा, जो टेलीग्राम पे डाला हूं उसमें देखो लिखा हुआ है वो फॉर्म, उसमें नाम लिखा हुआ है फेवर टू दिस रजिस्ट्रार BHO या काशिंद विश्वविद्यालय, जो लिखा होगा उसी को, अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये सच नहीं है, जो उसमें लाइन लिखी गई है उसी के बेसिस पे आपको बनवाना है, ठीक है। तो ये हो गया।
और डीडी जो है वो कब बनवाना है, तो अभी नहीं बनवाना है डीडी आपको, डीडी तो लेके आना है 3 से 4 तारीख को। कितने हजार रुपए का? 2000 रुपए का डीडी है, लेकिन इस डीडी को अभी मत बनवाइए। कब बनवाइए? जब कल 29 तारीख है, कल आपका 6 बजे ये लोग वैकेंट सीट का पूरा एक ब्यौरा देंगे, यानी कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें खाली हैं, उसी सीट के अकॉर्डिंग तो आप डिसाइड करोगे कि आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, यानी आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है कि नहीं एक्चुअली। अब सपोज कि जनरल की सीट ही नहीं है और उसमें आप जनरल कैंडिडेट हो, तो आप क्यों जाओगे? सपोज कि मतलब होता है ना कि कैटेगरी वाइज वहां पे निकलेगा भाई बकायदा, तो ये सब चीजें आपको देखनी समझनी है, ठीक है। तो डीडी कब बनवाना है, डीडी बनाने का पूरा प्रोसीजर वो मैं स्मार्ट बोर्ड पे लिख के बताऊंगा एकदम प्रॉपर अल्फाबेट के साथ कि हाँ इसी नाम से आप लोग डीडी बनवाइएगा, ये बैंक में जाके बनता है, ठीक है, ध्यान देना। वैकेंट सीट के कैसे डिसाइड, वैकेंट सीट के बाद आप डिसाइड करोगे बेसिकली कि आपको एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, लाइक अभी भी कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे अपने एडमिशन के बारे में जाने, क्योंकि सुबह से शाम तक बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है काउंसलिंग वाला, ठीक है, उस काउंसलिंग वाला पे आप लोग फाइनली व्हाट्सअप करके ज्वाइन हो सकते हो, वो हम लोग का ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। और आप लोग इसलिए भी ज्वाइन हो जाना क्योंकि फ्यूचर में भी, जैसे अभी मेरे को आप लोग पीजी के स्टूडेंट्स हो, पीएचडी को लेके इंक्वायरी आने लगी है कि सर पीएचडी में कहाँ कहाँ ट्राई मार सकते हैं, हम लोग के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है पीएचडी के लिए, जैसे अब इन सब चीज का भी नॉलेज है क्योंकि हम लोगों ने बहुत वीडियोज बनाए हैं पीएचडी को लेके भी, क्योंकि अब उसमें सीयूटी पीएचडी भी हो गया है, जानते ही हो। तो यूनिवर्सिटीज जो है ना अपनी जो सीटें होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं कि ये आपका नेट के थ्रू होगा, ये आपका जो है वो सीयूटी पीएचडी के थ्रू होगा, उसमें अलाइड कोर्सेज भी आते हैं, उसमें मेन कोर्स कोर सब्जेक्ट्स भी आते हैं। तो अब इन सब का अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हम सभी 2-3 लोग हैं सजेस्ट करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर आपका जो है पीएचडी की सीटें हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि काउंसलिंग वाला बस नॉट आपके पीजी एडमिशन तक सीमित है, आपके यूजी सीट एडमिशन तक सीमित है। ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया ही इसीलिए है कि हम लोग घर बैठे कोई भी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ले सके, कभी भी हो सकता है, कभी कभी आपको 2-3 घंटे बाद रिप्लाई मिले, बट एटलीस्ट आपके पास एक प्लेटफॉर्म तो है ना भाई। आप सोचो कि आपके पास एक काउंसलर नहीं है, जबकि काउंसलर के लिए हम लोग को बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, एक बड़ा अमाउंट हमें पे करना पड़ता है, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से उनका हेल्प कर रहे हैं, जो अपने पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है वो उसके थ्रू उनका हम लोग मदद कर रहे हैं एडमिशन में और आगे फ्यूचर बनाने में। तो मैं चाहूंगा काउंसलिंग वाला को आप लोग हमेशा अपने साथ रखो, एक व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट में रखो, अपने कॉन्टेक्ट में रखो कि कभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप करके अपना डाउट क्लियर कर लो, जो भी आपका एजुकेशनल डाउट है। तो इसलिए काउंसलिंग वाला को बनाया गया। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग उसको जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, उसके बारे में जाने, और बहुत जल्द हम लोग इस पूरे प्लेटफॉर्म को, यानी काउंसलिंग वाला प्लेटफॉर्म को वेबसाइट एप्लीकेशन हर जगह ले आएंगे। थोड़ा अभी हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें पैसा कितना लगाना है, कैसे लगाना है, तो मनी की भी प्रॉब्लम है, सब चीज़ों को एडजस्ट करके हम लोग उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका साथ रहेगा तो जरूर हम लोग उसको आगे बढ़ा पाएंगे, जिससे कि आपके आने वाली जो छोटे भाई बहन है उनको भी हेल्प हो सके। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मॉपअप राउंड को लेकर जो भी अपडेट्स होगा फर्दर मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा समय के साथ, और अभी के लिए आप लोग काउंसलिंग वाला पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और मैं उम्मीद करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप का जो सपना है विश्वविद्यालय में पढ़ने का वो पूरा हो जाए और अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकें, इस देश के सेवा कार्य में अपना योगदान दे सकें। हर हर महादेव।